यस चिल्ड्रन, तो हम देखते हैं सेकंड वन हमारा कौन सा है, डेंस डेंस कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इरेगुलर इरेगुलर। ओके, तो ये दो तरीके के होते हैं राइट। जैसे डेंस रेगुलर है, इसकी पोजीशन हम कैसे बताते हैं कि ये रेगुलर है ये रेगुलर है, बिकॉज द फाइबर, इसमें फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर मैनर में पड़े रहते हैं, पर्टिकुलर मैनर मैनर। ओके, मतलब कि ये बंडल्स में पाए जाते हैं, बंडल्स, और बंडल्स में भी कैसे पैरेलल पड़े रहते हैं एक दूसरे के, फाइबर्स फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल पड़े रहते हैं। और कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं इसमें, कोलाजन, कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट, कोलाजन फाइबर्स ये पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, डेंस रेगुलर और रेगुलर वे में फाइबर्स पड़े रहते हैं, कोलाजन फाइबर्स होते हैं। और क्या पाए जाते हैं इसमें, टेंडन्स मिलते हैं, टेंडन्स आर प्रेजेंट, टेंडन्स आर प्रेजेंट। और टेंडन्स का काम क्या होता है बच्चों, टेंडन्स का काम होता है स्केल्टन, स्केल्टन मसल्स को, लिगामेंट्स को जोड़ने का काम होता है। मतलब टेंडन्स, मतलब टेंडन्स इज इक्वल टू स्केल्टन प्लस मसल्स, स्केल्टन प्लस मसल्स प्लस लिगामेंट, इसको हम टेंडन्स बोलते हैं। ये टेंडन्स लिगामेंट को स्केल्टन से और मसल्स और लिगामेंट को स्केल्टन से जोड़ता है, सो दैट वी कैन मूव। मतलब कि जॉइंट पे पाए जाते हैं, किस पे पाए जाते हैं, जॉइंट्स पे पाए जाते हैं। क्लियर, इतना काफ़ी है। और इसका हाँ एक मैं बना के दिखा देती हूँ दूसरी से, कैसे मिलते हैं ये लाइक इस तरीके से, ये पैटर्न देखिए, ये है ये बंडल है किसका, फाइबर्स का, ये लाइक दिस। अब ये इस तरीके का हो गया, अब हम करेंगे लाइक दिस, पैरेलल पाए जाते हैं एक दूसरे के ये बंडल। ओके, और हाँ एक चीज़ और कि इसमें फाइबर्स की मात्रा, मतलब कि फाइबर्स क्वांटिटी लिख देती हूँ मैं, क्वांटिटी आर मोर, फाइबर्स की क्वांटिटी मोर होती है इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस हमारा मैट्रिक्स, मतलब कि ग्राउंड फाइबर्स ही फाइबर्स भरे पड़े हुए हैं। ये देखिए फाइबर्स, ये फाइबर्स हैं, कौन से फाइबर्स हैं, ये कोलाजन फाइबर हैं, कोलाजन फाइबर्स हैं। ओके, और ये टेंडन्स कहाँ पाए जाते हैं, इनके बीच में, ये टेंडन्स हैं, ये क्या है, टेंडन्स हैं। ओके, टेंडन्स कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन द कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स का लगने का मैनर कैसा होता है, बिल्कुल मैनरली लगते हैं, पैरेलल लगते हैं। ओके, कौन से होते हैं, कोलाजन फाइबर्स, और कोलाजन फाइबर मतलब फाइबर्स आर मोर इन कंपेरिजन टू ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं डेंस इरेगुलर पे, डेंस इरेगुलर, इसमें फाइब्रोब्लास्ट और मैनी फाइबर्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें जैसे इसमें फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी अदर फाइबर्स, मैनी फाइबर्स आर प्रेजेंट, मैनी फाइबर्स आर प्रेजेंट किसमें, डेंस इरेगुलर में। लेकिन इसमें फाइबर्स के लगने का जो मतलब मैनर होगा वो इरेगुलर वे में, इरेगुलर वे, इरेगुलर वेज में क्या लगते हैं, फाइबर्स लगे हुए होते हैं। ओके, और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और ये स्किन में पाया जाता है, इसमें फाइबर हर डायरेक्शन में या मतलब हर तरीके से कहीं भी पड़ा हुआ हो सकता है लाइक दिस। जैसे एक इट इज़ ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये है, ये हमारा क्या है, फाइबर, एक फाइबर ये है, एक फाइबर ये है, दूसरा ये है, मतलब कहीं भी पड़े हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, कोई इनका पैटर्न नहीं है, ये है इरेगुलर, इरेगुलर डेंस है, डेंस है क्यों, क्योंकि बिकॉज ग्राउंड सब्सटेंस इज लेस इन कंपेरिजन टू फाइबर, फाइबर की कंपेरिजन में जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो बहुत कम है, तो हम फाइबर के बेसिस पे इसको डिवाइड कर देंगे, एक तो डेंस है, डेंस इरेगुलर है और एक रेगुलर है। क्लियर, पाया कहाँ जाता है स्किन में, ये स्किन में पाया जाता है, हमारी स्किन जो होती है उसमें ये पाया जाता है। ओके, और हाँ स्किन में भी कहाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ध्यान रखिए, डीप डीप लेयर ऑफ
स्किन, डीप लेयर ऑफ स्किन में पाया जाता है। क्लियर। अब हम चलते हैं, जैसे कि हाँ एक चीज़ और, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैंने पढ़ा था किसी उसमें आया है एग्ज़ाम में, उसमें पूछा था नेटिव टिश्यू का वो कौन सा सेल है जो कि विच सीक्रेट द एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी को सीक्रेट करता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा मास्ट सेल। मास्ट सेल जैसे मैंने बताया, इसको मैस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये WBC का ही एक क्या है फॉर्म है, जो क्या करती है जो हमारी बीमारी एंटी बैक्टीरियल है एंटीबॉडी बनाती है, जिससे कि क्या करते हैं एंटीबॉडी से हम लोग जो बीमार अगर कोई बॉडी आ रही है बाहर, मतलब कि बाहर से कुछ पैथोजेंस आ रहे हैं, कोई बैक्टीरिया आ रहे हैं, कोई वायरस आ रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी बॉडी में क्या बनाती है एंटीबॉडी बनाती है, सो दैट वी कैन इम्यून, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी का इंक्रीज करती है, इंक्रीज मतलब बढ़ाती है, और उन पैथोजेंस एज ए ट्रीट एज ए फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स की तरह ये ट्रीट करती है। क्लियर। तो ये मेरे दिमाग में है, मैंने बच्चों को बता दूं, कहीं ऐसा नहीं हो वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे नीट के लिए भी पढ़ रहे होंगे। ओके चलते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन और था, वो तो मैंने बता दिया है आपको कि एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन मैमल, मैंने पहले जब पढ़ा रही थी अभी एडिपोज टिश्यू, वो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है ना, तो आप ध्यान रखिए इसको कि वो बिलो द स्किन या स्किन में तो पाया जाता है, लेकिन पाया कहाँ जाता है, डर्मिस में, एपिडर्मिस में आपका आंसर होना चाहिए, योर आंसर शुड बी डर्मिस। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट वाले देखेंगे, ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि तीन तरीके के होते हैं, बोन होती है और क्या हमारा होता है ब्लड, ब्लड को भी हमने उसी में रखा हुआ है। चिल्ड्रन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हम तीन पार्ट में डिवाइड, सब डिवाइड कर सकते हैं, कार्टिलेज है, बोन है एंड ब्लड है। ब्लड भी क्या है, इट इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कभी आपके में क्वेश्चन आ सकता है ये, इट इज़ ए लिक्विड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये लिक्विड होता है, कनेक्टिव टिश्यू में रखा जाता है एंड नो फाइबर्स, एब्सेंस एब्सेंस एब्सेंट फाइबर्स, फाइबर्स या फाइबर्स आ रहे हैं, एब्सेंट कैसे भी लिख लीजिए। ओके मुझे बस केवल आपको ब्रीफ करना है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है, ये क्या होता है, नहीं कार्टिलेज तो है ये, इट इज़ ए सॉफ्ट बोन, ये सॉफ्ट बोन होती है, कहाँ पाई जाती है, जैसे मैंने बताया नोज़ में, ईयर में, नोज़ है, ईयर है, ये है, और फेरिंग्स है, फेरिंग्स फेरिंग्स, ये सब चीज़ें मतलब सॉफ्ट बोन्स हैं और ये वहाँ पाई जाती हैं। और ये किससे मिलके बनी होती हैं, ये मिलके बनी होती हैं प्रोटीन, प्रोटीन प्लस शुगर, प्रोटीन शुगर से मिलके बनी होती हैं, दैट इज़ द रीज़न के इट हैज़ एबिलिटी ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, ये फ्लैक्सीबल होती हैं, कान को मोड़ सकते हैं, नाक को मोड़ सकते हैं, किस कारण, दैट इज़ द रीज़न बिकॉज प्रोटीन और शुगर की मिलकर बनी होती है, फ्लैक्सीबिलिटी होती है, लेकिन ये सॉफ्ट बोन है फिर भी ये हार्ड हैं, हम इनको ये नहीं कि अगर ऐसे घुमा लिया तो कान को तोड़ दें, नाक को ऐसे कर लिया तो नाक को तोड़ दें, ऐसा नहीं होता, फिर भी इनमें हार्डनेस होती है, मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो देयर, स्ट्रेंथ भी पाई जाती है। क्लियर। और क्या होता है, ये एक कार्टिलेज होती है, ये कहाँ पाई जाती है, या तो पाई जाती है, और कार्टिलेज फाउंड बिटवीन बिटवीन टू जॉइंट्स, टू जॉइंट्स किसके, टू जॉइंट्स ऑफ बोन्स, दो बोन्स के बीच के जॉइंट पे ये कार्टिलेज पाया जाता है, क्या कार्टिलेज पाया जाता है किस लिए, जैसे कि ये इट इज़ ए काइंड ऑफ बोन एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ बोन। क्लियर। मैं दूसरे कलर से करूँ, लाइक दिस, ये जो रेड पार्ट है इट इज़ ए कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है, सो दैट दे कैन मूव, दे कैन फ्लैक्सीबल क्वालिटी दे, और फ्लैक्सीबल है, स्ट्रेंथ भी देती है और मूवमेंट कराती है, मतलब कि कार्टिलेज एक तरीके से मोबी ऑयल है, किसके दो जॉइंट पे या दो बोन्स के बीच में, जॉइंट का जहाँ जहाँ भी जॉइंट मिलते हैं, जैसे मैंने बताया एंकल है, नी है, शोल्डर है, बहुत से जॉइंट्स हैं, और कहाँ पाई जाती है, ये बनी हुई होती है, सॉफ्ट बोन है, सॉफ्ट होती है, तभी तो ये किसी को मूवमेंट को करा सकती है, अदरवाइज़ का हम जो बोन है कितनी हार्ड होती है, हम उसमें ऐसे मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते, नी को मोड़ लेते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज इज प्रेजेंट देयर। क्लियर। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, कार्टिलेज, और ये पाया कहाँ जाता है, हाँ कार्टिलेज सेल
इसमें कार्टिलेज जो होती है, ये कार्टिलेज सेल से बन मिलकर बना होता है। कार्टिलेज सेल्स, इनको हम कार्टिलेज सेल्स से, इन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर? ये हमारे लैरिंग्स में और फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, और मैंने नोज बता दी, ईयर बता दिया, इन सब में ये क्या मिलती है? ओके, ट्रेकिया में, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया वो ही आ गया, फेरिंग्स लैरिंग्स, ये सब ट्रेकिया में पाई जाती है। ओके, तो ये प्रोटीन और उससे मिलकर बनी होती है, दैट इज़ द रीज़न कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, लेकिन हार्डनेस भी है, स्ट्रेंथ भी देती है और सॉफ्टनेस भी देती है। कार्टिलेज दो बोन्स के बीच में, जॉइंट के बीच में पाया जाता है, जिससे कि वो क्या होती है, मूवमेंट हो सके। और कार्टिलेज बनता किसे? कार्टिलेज सेल से बनता है, जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम बोन पे। चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं बोन। ये बोन्स पूरी बॉडी का जो क्या करती हैं, फ्रेमवर्क बनाती हैं, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी बनाती हैं। और क्या करती हैं? बॉडी को स्ट्रेंथ कौन देता है? हरी, ये स्ट्रेंथ देती हैं बॉडी को। और क्या करती हैं बोन? ये किससे मिलके बनी होती हैं? ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से मिलके बनी है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से मिलके बनती हैं, दैट इज़ द रीज़न दे आर हार्ड, हार्ड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। ये मैट्रिक्स किससे मिलके बना होता है? इस कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ये मैट्रिक्स इस कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलके बना होता है, दैट इज़ द रीज़न जो मैट्रिक्स में पाया जाता है वो हार्ड होता है, दैट इज़ द रीज़न कि बोन काफ़ी हार्ड होती हैं। ओके अच्छा, बोन्स जो होती हैं मिलके बनती हैं, मेड बाई बोन सेल्स, जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए। ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, क्लियर? और ये पाए कहाँ जाते हैं सेल्स? ये पाए जाते हैं स्पेसिस में, स्पेसिस में पाए जाते हैं, जिनको हम लैकुनी लैकुनी बोलते हैं, जिनको हम लैकुनी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए, अगर आप CPMT की तैयारी कर रहे हैं। हम इसको लैकुनी बोलते हैं, ये बोन सेल क्या पाए जाते हैं? स्पेसिस में पाए जाते हैं, फाउंड इन स्पेसिस, लैकुनी बोलते हैं। सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो स्पेसिस में पाए जाते हैं उनको लैकुनी बोलते हैं। और फ्रेमवर्क बनाती हैं फॉस्फोरस कैल्शियम से मिलके, हार्ड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। क्यों हार्ड होता है मैट्रिक्स? क्योंकि फॉस्फोरस और कैल्शियम से ये बनता है। एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी, किसकी? बोन की, कि बोन में जो बोन मैरो होता है, बोन्स में क्या होता है, बोन में बोन मैरो इज प्रेजेंट। किस में? बोन में। सभी को मालूम है ये बोन मैरो क्या बनाता है? ब्लड सेल्स बनाता है, जिससे क्या बनते हैं? ब्लड बनता है। क्लियर? कितना इम्पोर्टेंट फीचर है ये, कि बोन में बोन मैरो मिलता है, जो कि बोन ब्लड सेल्स को बनाता है। ठीक है, क्लियर? इतना मालूम हो गया। और हाँ, एक चीज़ और है, एक चीज़ और रह गई, कि एक चीज़ तो ये पॉइंट, और एक है कि जो लिम्ब बोन होती है हमारी, लिम्ब बोन कहाँ पाई जाती है? थाई में पाई जाती है, लिम्ब में, पीछे पाई जाती है लिम्ब में। तो ये क्या करती है? ये हमारा वेट बियरिंग, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, वेट बियरिंग बोन है। मतलब हमारी सारी बॉडी का जो वेट बियर करती है, ये लिम्ब बोन करती है। कहाँ? थाई में हमारी मिलेगी। ओके, कहाँ पाई जाती है? लिम्ब बोन, वेट बियरिंग बोन, हमारी बॉडी का, सारी बॉडी का जो वेट है वो ये लिम्ब बोन करती है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं ब्लड की तरफ। अब हम ब्लड को और देखते हैं। ब्लड, इसका मैट्रिक्स क्या होता है? पहला लिक्विड कहलाता है ना, और मैट्रिक्स इज लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है मैट्रिक्स इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर? इसमें प्लाज्मा में क्या मिलता है? प्लाज्मा में RBC मिलता है, WBC मिलता है, और प्लेटलेट्स मिलते हैं, प्लेटलेट्स मिलती हैं। इन चीज़ों, तीन चीज़ें होती हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, जिससे कि क्या बनता है? ब्लड में पाया जाता है और ब्लड बनाते हैं। ओके, ये प्लाज्मा प्रोटीन साइट और हार्मोन से मिलकर, और ये प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? ये प्लाज्मा मिलकर बना होता है प्रोटीन, प्रोटीन
प्रोटीन प्लस साल्ट प्लस हार्मोन, इन सब से मिलके बना होता है क्या, ये प्लाज्मा। ओके, और प्लाज्मा में होता क्या क्या है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। मेन चीज़ है, मैंने जैसे बताया कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, फाइबर्स हैं, ग्राउंड सब्सटेंस हैं और सेल्स हैं। लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, बट एक्सेप्ट इट के फाइबर्स आर नॉट प्रेजेंट देयर, इट विल कैप्ट और इट इज़ कैप्ट इन द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे नया अपना कौन सा टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, इसी मस्कुलर टिश्यू है शायद, तो उसको लेके आएंगे। तो बच्चों आपसे यही क्या है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखकर एक साथ निकल के मत जाया करिए, बस चलाया और चले के निकल कर, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ टू योर कोलीग एंड योर फ्रेंड्स। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।